हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के अपडेट्स के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी हमने अपडेट्स आपको दिए थे, लेकिन उसी के कंसर्न में आपके बहुत सारे सवाल आए थे और जिसमें आपने हमसे जीन थेरेपी के बारे में पूछा था। जीन थेरेपी जो कि एक अल्टरनेट है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का, वो भारत में कब आएगी और कब तक हम उसका इंतज़ार करें, या फिर उसके बारे में अगर कुछ हमें पता चले तो उसी हिसाब से फिर हम आगे की प्लानिंग भी करें, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था कि डॉक्टर नरेश गुप्ता जो कि दिल्ली लोकनायक हॉस्पिटल में है, जो कि जीन थेरेपी पर जो रिसर्च चल रही है उसका एक हिस्सा भी है, तो उन्होंने खुद ये बताया था कि इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया था कि ये कब आएगी। तो इस संबंध में ही आपके बहुत सारे क्वेरीज थी, आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए, बार बार कमेंट किए कि मुझे कुछ बताइए जीन थेरेपी के बारे में। और आज मैंने हॉस्पिटल से ही यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली संपर्क किया था, वहाँ के लोकनायक हॉस्पिटल के जो वहाँ का जो हीमोफीलिया का डिपार्टमेंट है, तो मुझे ये पता चला आज वहाँ से कि जो डॉक्टर नरेश गुप्ता है जो कि जीन थेरेपी पे काम कर रहे थे वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह अब डॉक्टर सुनीता अग्रवाल आ गई हैं, जो कि इस जीन थेरेपी पे अब काम कर रही हैं और आगे का अपडेट्स जो भी होगा वो उन्हीं से अब आपको मिलेगा। लेकिन इसमें ये है कि जैसे मैंने आज वहाँ पर संपर्क किया है तो मुझे जो ऑल ओवर जो जानकारी मिली, जिसका मैं मीन आपको दे सकता हूँ, वो ये है कि जब मैंने वहाँ पर संपर्क किया और ये पूछने की कोशिश की ये कब तक आ जाएगी भारत में, तो कुल मिलाकर वहाँ ये जानकारी मिली कि अभी ये नहीं बताया जा सकता किसी को भी कि ये थेरेपी कब तक आ जाएगी, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि कोई र्यूमर फैले और कोई गलत इन्फॉर्मेशन वो दें और फिर वो एक डेडलाइन दे दे आपको कि नहीं दिसंबर तक आ जाएगा, कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक आ जाएगा, तो फिर लोगों में पैनिक हो जाए या फिर लोग ये परेशान हो कि नहीं आपने तो फरवरी ही बताया था, ये फरवरी में क्यों नहीं आया। तो उसके लिए अभी वो ये खुद नहीं बता सकते कि ये कब आएगा, क्योंकि इस पर जो भी स्टडीज़ चल रही हैं अभी उन पर समय लगेगा और उन स्टडीज़ पर ये, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस हैं, तो उस पर अगर किसी पर भी ये रिसर्च हो रही है, किसी भी ह्यूमन बॉडी पर अगर हो रही है, तो उसके भी रिजल्ट देखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इस कारण इसमें अभी थोड़ा और आपको वेट करना है। तो आई थिंक सो कि इस ईयर तो नहीं है और नेक्स्ट ईयर ही कुछ इसके आपको साइन देखने को मिल सकते हैं या कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं। जहाँ मैंने उनसे ये पूछा कि कैसे फिर आम जनता को ये पता चलेगा कि ये थेरेपी आ चुकी है और ये आम जनता के लिए है, तो उन्होंने ये कहा कि इसको मीडिया के थ्रू सबको बताया जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो या और दूसरे माध्यम हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आप भी वहाँ से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर देता हूँ जो कि दिल्ली लोकनायक हॉस्पिटल का नंबर है, आप वहाँ पर संपर्क करके अपडेट वहाँ से ले सकते हैं और कंटिन्यूस आगे भी आप अपडेट रह सकते हैं इस नंबर से। ये नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी हीमोफीलिया का पेशेंट है, जिससे कि आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है या फिर हीमोफीलिया के पेशेंट को आपको वहाँ दिखाना है, अगर नज़दीक में आप कहीं नहीं दिखा पा रहे तब भी आप वहाँ से इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर पेशेंट को दिखा भी सकते हैं। तो इसलिए ये नंबर आपके पास होना चाहिए और इस नंबर से आप अपडेट भी रहेंगे। नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। नंबर है 011, ये दिल्ली का एसटीडी कोड हो गया, और उसके बाद हो गया नंबर है जो वहां का 2323-2400, ये वहाँ की एक्सचेंज का नंबर है, यानी एक्सचेंज का मतलब ये जो वो जिन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है उसका नंबर है। यहाँ आप फ़ोन करने के बाद आप वहाँ बोलेंगे कि हमें हीमोफीलिया के सेंटर से कनेक्ट करा दीजिए, तो जब आप ये बोलेंगे हीमोफीलिया के सेंटर से कनेक्ट करा दीजिए, तो फिर वो आपकी लाइन को होल्ड करेंगे और वहाँ से सीधा हीमोफीलिया के सेंटर से कनेक्ट करा देंगे, और जब वहाँ से कोई बोलेगा तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना है और उसका आंसर वहाँ से लेना है। एक नंबर और है, वो भी आप नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। इसका एसटीडी कोड आप लगाएंगे 011, और नंबर है 2322-1922, ये नंबर भी हीमोफीलिया सेंटर का है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और पहले आप जो मैंने पहले नंबर दिया है आप उससे संपर्क करिए, वहाँ पर कॉल करिए
और वहाँ से बताइए कि मुझे हीमोफीलिया के सेंटर से कनेक्ट करिए, और कनेक्ट होने के बाद आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम रख के वहाँ पर उसका सवाल पूछ सकते हैं। तो ये अपडेट है, और मैं समझता हूँ ये एक ही नंबर है जिससे आप डायरेक्टली अपने घर पर बैठकर इस नंबर से डायरेक्ट अपडेट ले सकते हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे, कहीं इधर के रूमर्स में नहीं आएंगे, किसी की फेक इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। आप डायरेक्ट इस नंबर पर फ़ोन करके वहाँ से पता कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से ही यही एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यही एक ऐसा सेंटर है लोकनायक हॉस्पिटल जहाँ पर ये सर्च हो रही है। तो आई थिंक सो कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा था आज मैंने उसका ये सलूशन ही समझ लीजिए कि आपके लिए मैंने ये बता दिया कि इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में और कहीं भी अगर आप संपर्क करेंगे तो कोई भी आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।